जय माता दी। इन दिनों पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि को लेकर काफी खुशी का माहौल है और हम भी श्री मंदिर की इस खास पेशकश नवरात्रि विशेष के माध्यम से आपको माँ के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताते आए हैं। इसी के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है और इसी श्रृंखला में हम आपको माँ की पावन कथा और स्वरूप से परिचित कराने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माँ की उत्पत्ति की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक रक्तबीज नाम का राक्षस था जिसकी एक खास विशेषता ये थी कि जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इसी का फायदा उठाकर रक्तबीज ने पृथ्वी और देवलोक में हाहाकार मचा दिया, जिससे परेशान होकर सभी देवी देवता समस्या का हल जानने भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ये ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। तब भगवान शिव के अनुरोध पर माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तो यह तो थी माँ कालरात्रि की पावन कथा। अब हम जानेंगे कि माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है, अर्थात माँ दिखती कैसी है। बात करें माँ के स्वरूप की तो माँ अपने भक्तों के हृदय को उमंग से भर देती है। वैसे तो माँ का रूप देखने में भयानक है, लेकिन हृदय में भक्तों के लिए सदैव ममता का सागर हिलोरे लेता रहता है। माँ के सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माँ के तीन नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। माँ की सांसों से अग्नि निकलती रहती है तथा माँ गर्दभ की सवारी करती है, जहाँ एक ओर माँ के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को आशीर्वाद देती है, वहीं दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी माँ इस हाथ से भक्तों को आशीष प्रदान करती है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन माँ सदैव शुभ फल देने वाली है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और माँ के स्मरण मात्र से ही दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ की कृपा से ग्रह बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही अग्नि, जल जंतु, शत्रु और रात्रि भय भी दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको माँ की कथा, स्वरूप और महिमा का वर्णन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई प्रस्तुति के साथ, जिसमें हम जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में कि कैसे करें माँ कालरात्रि की पूजा कि माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। माता रानी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें।